तो बच्चों, आज का टॉपिक बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। आज हम बात करने वाले हैं दोस्त के बारे में। कोई इसका डेफिनेशन दे सकता है? आपका कभी झगड़ा नहीं होता, जो है। आपका बुराई नहीं करता है और नहीं सुन सकता है, और हमारा रिश्ता प्यार से बनता है। मतलब तेरा कोई दोस्त नहीं है। देखो क्या कह रहा है। ये तो कह रहा है भाई, दोस्ती में तू प्यार की बातें कर रहा है भाई, तू तो यही हो सकता है। शांत रहो सब, बोलो तुम्हें बड़ा पता है, तुम बताओ। दोस्त के दो आंख होते हैं, दो पैर होते हैं, दो कान होते हैं। दोस्त दूध देता है जिससे बनती है शाही पनीर, रसीले रसमलाई और रसगुल्ले। क्या गोलू, दोस्त कैसे दूध दे सकता है? मैम मेरा दोस्त दूध वाला है। Savage. तुम्हें बहुत खुशी हो रही है, अब तुम्हारी बारी, बताओ दोस्त के बारे में। मैम मैं क्लास में गाली नहीं देता। पूरा बैक बेंच क्लास से बाहर हो जाओ। मैम बेंच में तो जाने नहीं है, ये कैसे बाहर जाएगा? इतनी तो कहती है कि बैक बेंच से कभी पंगा ना ली। अरे भाई तुम लोगों को ब्लू कॉर्न की पड़ी है। कल मैं फिर से क्रीम इलेवन में सट्टे में हार गया। काश मेरे पास डोरेमन का टाइम मशीन होता तो मैं फ्यूचर में जाके देख लेता कौन सा प्लेयर अच्छा खेल रहा है। मैं इन सब काल्पनिक बातों पे विश्वास नहीं करता हूँ, क्योंकि मेरे पास भगवान का दिया हुआ सब कुछ है। वो सब छोड़, श्वेता अगले साल फेयरवेल में तो बहुत बढ़िया लग रही थी। सच्ची में भाई को ब्लू कॉर्न का नशा चढ़ गया, नशा चढ़ गया। अगले साल तो श्वेता हमारी स्कूल में नहीं पढ़ती थी। गोलू तुझे तो अगले साल की बात तक याद है? अगले महीने तूने मुझसे 300 रुपया उधार लिया था ना, भी तो तुझे पक्का याद होगा। भूल गया। भूल भी गया हो, लेकिन भगवान के पास दिया गया सब कुछ तो तेरे पास ऑलरेडी है ना गोलू। भाई तूने पूरी बात नहीं सुनी, भगवान का दिया हुआ मेरे पास सब कुछ है, लेकिन कहाँ है ये तो पता ही नहीं। मुझे तुझसे कुछ जरूरी बात करनी थी। टॉपिक मत चेंज कर। अरे भाई रुकना, एक जरूरी बात है। बाप? मेरे बाबू ने थाना छाया। जी गोलू यार, कौन इतना सिली क्वेश्चन कर सकता है, तू अभी भी बच्चे की तरह बात करता है। बता पाई रूट को अगर तू साइन थीटा 30 डिग्री से डिवाइड करेगा तो कितना आंसर निकलेगा? तेरे बाबू ने तो थाना था लिया। ये हुई ना बात। श्रावणी यार लग नहीं रहा है तू आजकल कुछ ज्यादा पढ़ रही है। नहीं भाई पढ़ने दो पढ़ने दो, वैसे भी जीरो ही तो छापेगी। तुम लोग छापते होगे, मुझे अगले सम में 20 आए थे। लेकिन मैंने तो 7 देखा था। हाँ कुछ भी हो, लेकिन इस बार मैंने ठान लिया है, इस बार मैं इतना पढ़ूंगी मैं बनूंगी एक IAS ऑफिसर और सब लोग मुझको सलाम ठोकेंगे। तू और IAS ऑफिसर क्या मत जोक मारी तू? कंपनी की तो लोग सलाम नहीं ठोकेंगे, तुझको ठोक डालेंगे। और IAS बनने के लिए पढ़ाई कौन करता है? IAS ऑफिसर की बात की है। मैं तो वही कह रहा है, IAS ऐसा अलगाववादी। गुलू इस बात पे तुझे मैं 2 थप्पड़ मार सकता हूँ यहीं से। भाई वो लोग सही तो कह रहे हैं, पढ़ाई करके थोड़ी कोई IAS बनता है। तो दिल्ली टूटने से बनता है। तुम वालों लाइफ में थोड़ा सीरियस हो जाओ, अपने फ्यूचर के बारे में कभी सोचा है तुम लोगों ने? अरे मेरा तो सेट है, मैं तो कनाडा विच बड़े बड़े बिल्डिंगे बनाऊंगा। बल्ली तू लेबर का काम करेगा? गुलू यार तू सबको खुद की तरह क्यों समझता है? ये बात तुमने एकदम ठीक कही, मैं ठेकेदार बनूंगा, उसमें ज्यादा पैसे है। बल्ली तो साला दिन दिन इंटेलिजेंट होता जा रहा है। अरे सुनो सुनो, तुम लोग क्या फ्यूचर सपने के बारे में बात कर रहे हो? नहीं रे, तेरा आइटम सपने के बारे में बात कर रहे हैं। क्या क्या कर रहा है? पूरे स्कूल को पता है तू हमारे बातें छिप छिप के सुनता है। सब छोड़, तेरा भी कोई सपना है क्या? हाँ। मैं तो इंजीनियर बनूंगा। ओह नाइस, इतना पढ़ाई लिखाई करके तू भूखा मरना चाहता है? नहीं भाई, भूखा तो कॉमर्स वाले मरते हैं, इंजीनियरिंग वाले तो भूखे भी रहते हैं और मरते भी नहीं है। और एक सपना है, यश की शादी के बाद यश के बेबी के साथ मुझे घूमने जाना है, पिक्चर देखना है, मजे करना है। छोड़ देगा? यही तो सपना है, यश मुझे कुछ भी नहीं करेगा। हाँ ठीक है। क्या भाई क्या कर रहा है? करवा दे अपनी बहन के साथ मेरी शादी, फिर उसके साथ घूमते रहना। भाई बरातियों का स्वागत पान पराग से ही करना। मैं अपने वादे वापस लेता हूँ। लेकिन मैं तो नहीं दूंगा साले साहब। भाई तुम लोग जिंदगी में कुछ तो कर लोगे, मैं तो कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। बोलो यार, तो खुद को कम क्यों समझता है? अगर गौर करे तेरे गले में एक आवाज, एक दर्द। मैंने तो उसके बारे में सोचा नहीं, मैं बन सकता हूँ एक प्रोफेशनल वॉइस आर्टिस्ट, अर्जुन मैम की तरह दुखड़े मुखड़े गाऊंगा। अरे गोलू वो कहना चाहती है भीख मांगा कर, बहुत पैसे कमा लेगा। भाई तू मेरा दोस्त है इसलिए तुझे जाने दे रहा हूँ, तेरा हिम्मत कैसे हुआ इतना अच्छा आइडिया छुपाने की? भाई इसी कहते हैं गरीब को सोने की कटोरी दो, फिर भी उसने भीख ही मांगा। पहले तो खुद का बायोग्राफी क्यों बता रहा है? पापा ने नया गेम लाया, यो खेल ले। सब चोर, यस तू क्या बनेगा? मैं तो राइडर बनेगा। भैया बाबू भैया। अरे अरे वो वाला नहीं, अपन मौत के कुएं में बाइक चलाएगा। ओ भाई तेरी सोच तो कितनी बड़ी है। यार तू छुपा सिस्टम लिखना, इतना बड़ा सोच लेके तू चलता कैसे है? कभी कभी तो मैं ही हैरान हो जाता हूँ, इतना स्मार्ट मैं पैदा कैसे हुआ। I know it's so hard for you. तुम्हें इस बार सबसे कम मार्क्स मिला है, पर ऐसी हताश मत हो। तू
ये बता 98 कोई मार्क्स होता है? लेकिन अभी जो मिला है उसी से तुझे खुश होना पड़ेगा। अगले एग्जाम में तो डायरेक्ट 105 मार्क्स लेके आना। 5 फॉर गुड हैंडराइटिंग। ये तूने तो मुझे फुल मोटिवेट कर दिया। भाई किसके साथ इतना बुरा होता है? अब क्या हुआ भाई, हिंदी में 0 मिला है और पेरेंट्स टीचर भी बुला रहे हैं। देख गोलू, एक पेपर तेरा फ्यूचर डिसाइड नहीं कर सकता है। भाई इंग्लिश में बोलना अच्छा लगेगा। वेल अ पेपर ऑफ लेसन प्याज इज रीडिंग इन अमेरिका 1947 कॉल्ड लाइक अमेरिका अलजेब्रा आल्सो एंड अल्टरनेटिव लाइक अमूल कूल। भाई मैं समझ गया। लगता है इसे पता चल गया कि मुझे इंग्लिश नहीं आता। अब ये मेरे बारे में क्या सोचेगा? अबे साला, ये तू इंग्लिश में पीएचडी करके बैठा है, शायद चिंकी के साथ एक्स्ट्रा ट्यूशन जाता। और बात करो पेरेंट्स की, तो तू अगर कुछ अच्छा करेगा तो उन्हें ही ज्यादा खुशी होगी। भाई बात तो तूने एकदम सही कही है। इसलिए इस बार तू इतना पढ़ना, तेरे मार्क्स देख के सब लोग हैरान हो जाए। हाँ भाई, लेकिन मैं क्यों पढ़ूंगा, फेल तो तू हुआ है। और पेरेंट टीचर को भी बुलाना है, याद करके ले जाना। इस बार मैं फिर से माँ की एक्टिंग नहीं करूंगा, पहले ही बोल देता हूँ। भाई ट्रेट के लिए थैंक यू। काय का थैंक यू, बस तू इस बार मेरा दादी बन जा। मैं नहीं खाऊंगा।